हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी रेसिपी है बनाना बास्केट। इसे हमने कच्चे केले यूज करके बनाया है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। कच्चे केले को पील करने के बाद एक ग्रेटर की मदद से इस तरह से पतले और लंबे स्लाइसेस तैयार करें। अब इस तरह की कोई भी दो छन्नी लेकर इसे तेल से ग्रीस करें। हमने यहाँ पर स्क्वेयर छन्नी का यूज किया है। इसे अच्छी तरह से तेल से ग्रीस करके साइड में रख दें। अब ग्रेट किए हुए कच्चे केले में से पानी निकाल लें। इसे इस तरह से हल्का प्रेस करके एक्सेस वाटर निकाल लें। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करें। इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टीस्पून काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें। अब ग्रीस की हुई ट्रे में केले के स्लाइसेस अरेंज करें। इसे इस तरह से अच्छे से अरेंज करते हुए टोकरी का शेप दें। अब इसे कढ़ाई में डीप फ्राई करें। छन्नी को तेल में डालने के बाद केले के ऊपर इस तरह से एक चम्मच रखें ताकि हमारी टोकरी बिखर न जाए। अब इसे थोड़ा थोड़ा फ्लिप करते हुए अच्छे से फ्राई कर लें। जब तक कि ये फ्राई हो रहा है, हमने पास में दूसरी टोकरी भी तैयार कर ली है। हमने यहाँ पर गोल छन्नी का यूज़ किया है। इस तरह से केले के स्लाइसेस को अरेंज करके टोकरी तैयार करें। हमारी स्क्वेयर टोकरी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें गोल छन्नी फ्राई करेंगे। हमने बड़ी छन्नी के ऊपर एक छोटी छन्नी रखी है जिससे कि हमारी टोकरी का शेप खराब न हो। अब एक चाकू की मदद से टोकरी के साइड्स को निकाल लें और इसे हल्के से फ्लिप करके निकाल लें। देखिए, हमारी केले की टोकरी तैयार है। इसी तरह बाकी के टोकरी भी फ्राई करके निकाल लें। इस टोकरी को आप कोई भी चाट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।